वो कहते हैं बस सब कुछ था, अब आगे चले। हम कहते हैं वो सब कुछ था, उससे पहले क्या था? वही चीज है, वो जैसा डार्विन ने कहा है कि मैं जब भी मोर को देखता हूं ना मुझे बुखार चढ़ जाता है। हा? कि जब ये मोर पर फैलाता है ये इतने ऑर्गेनाइज्ड, क्या इसने मोर ने खुद अपने आप को बना लिया या इसको किसी ने बनाया? How? अगर किसी ने बनाया तो क्रिएटर, क्रिएटर का कॉन्सेप्ट तो अल्टीमेटली। आज दी वीडियो टाइटल है व्हाई वी कांट सी गॉड। सो गॉड नू आप देख क्यों नहीं सकते, उदा रीजन की है, उदा रहस्य की है? वैसे तो बहुत डूंगा रहस्य है, ना कोई अज तक जान पाया। तो बाकी हर धर्म के जो इसकी डेफिनेशन है मे बी इट कुड बी डिफरेंस डिफरेंट, बट देखते हैं कि अज की वीडियो के होने वाला। सो वीडियो तुसी देखनी है पूरी, वॉच टिल द एंड, एंड अपनी फैमिली के नाल बैठ के देखो, क्योंकि इदा दियां वीडियोज़ दे विच बहुत रियली इट्स इंपॉर्टेंट, एंड ये जो वैल्यू एडिशन है वो मैं आपके वालों जरूर करूँगा, बिकॉज यह अपना रिएक्ट एंड टॉक शो है। सो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो। खुदा का नाम तो हमें मालूम है, लेकिन वो उसका एक नाम जाहिर भी है ना, वो खुद जाहिर कैसे है? Okay. वो खुद जाहिर कैसे है, मतलब किद्दां दा गॉड है वो? खुदा अपनी कुदरतों से जाहिर है, वो इतना जाहिर है कि उससे ज्यादा कोई जाहिर नहीं है, लेकिन वो इतना पोशीदा है कि उससे ज्यादा पोशीदा कोई नहीं है। क्यों? आप मुझे बताएं, अगर आप किसी ऐसे शख्स को इस दुनिया में लाएं जिसने, जिसका ये कभी एक्सपीरियंस ना हो कि मुर्गी के अंडे में से चूजा निकल सकता है, और आप उसको बताएं ये देखो ये मुर्गी ने जो अंडा दिया है ना इसको जरा तोड़ो, वो तोड़ के देखे उसमें एक लेसदार मादा निकले, उसका एक कवर हो, फिर आप उसको कहें कि ये जो अंडा है यही मुर्गी 22 दिन के लिए अपने नीचे रखेगी या किसी मशीन में हम रखेंगे, इसमें से एक जिंदा मुर्गी और निकल आएगी छोटी सी, जिसको ये एक्सपीरियंस ना हो क्या वो ये मानने के लिए तैयार होगा? Definitely not. अगर किसी शख्स को ये दरख्त दिखाएं और कहें ये दरख्त देख रहे हो, हाँ जी है, उसका एक बीज तोड़े जो उसके उसमें से यानी फूल में से निकलता है, उसको कहेंगे जी ये जो बीज है ना इस बीज को जब मैं जमीन में बोऊंगा ना तो ये इससे 6 अरब गुना बड़ा दरख्त बन जाएगा इसी बीज में से निकल के। अगर उसने ये एक्सपीरियंस पहले नहीं किया हुआ और वो किसी ऐसी दुनिया का बाशिंदा है जिसमें उसने, जिसको पता ही नहीं सीड क्या होता है, दरख्त क्या होता है, क्या वो मान लेगा? नॉट एट ऑल, एब्सोल्युटली नॉट। तो कायनात में जितने फिजिकल फिनोमेना ऑफ नेचर है ये सब के सब इतने बड़े बड़े मोजज़ात हैं, लेकिन हम इन मोजज़ात के आदि हो चुके हैं, क्योंकि हम बचपन से देख रहे हैं कि मानसून में बादल आते हैं, बारिश बरसती है, ऐसा हम कहते हैं ऐसा ही हुआ करता है। लेकिन साइंस ने अपनी आर्जी मान ली है। साइंस 3 क्वेश्चंस के साथ डील करती है, 1 से उसने हाथ उठा लिया है, 2 पे वो कहती है हाँ हमारी ये फील्ड है, व्हाई व्हाट और हाउ, व्हाई व्हाट और हाउ। पहली चीज है व्हाट, क्या? हम कहते हैं जलजला आया, क्या हुआ? जलजला आया। साइंस से जब पूछते हैं कि ये जलजला क्यों आया, व्हाई, तो वो कहेंगे टेक्टोनिक प्लेट्स की डिस्टर्बेंस की वजह से। जब हम उनसे पूछते हैं कि ये टेक्टोनिक प्लेट्स जो हैं ये डिस्टर्ब क्यों हो जाती हैं, इनका टाइम फ्रेम कैसे सेट होता है कि इन्होंने अभी इसी वक्त डिस्टर्ब होना है, वो कहते हैं ये तो हाउ वाला सवाल है, कैसे? इट इज फिजिकल फिनोमेना ऑफ नेचर, ये कानून कुदरत है, ये ऐसा ही हुआ करता है। हर चीज के एंड पे आपको साइंस एक ही जवाब देगी, फिजिकल फिनोमेना ऑफ नेचर, कानून कुदरत। वो उसको माने हुए, मदर नेचर क्यों कह रहे होते हैं? मदर नेचर, तो क्या ये मदर नेचर ने सारे कानून खुद बनाए? हम जब कोई डिस्कवरी करते हैं, लोग पुराने जमाने के लोग ना जब उनको बताया जाता अंडे से चूजा निकलता है बस उनका इतना ही मान था। अब साइंस ने और तरक्की की, उन्होंने कहा जी इस तरीके से इसके अंदर जिंदगी मौजूद होती है, ये होता है, ये स्टेजेस तय करते करते एक खास हद तक आगे जाते हैं, एंड पे जाके जवाब क्या होता है? इट इज फिजिकल फिनोमेना ऑफ नेचर। मैटर कैसे बनाया? अच्छा जी, मैटर कैन नेवर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। मास कैन नेवर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड, यानी मास की जो कंजर्वेशन का नजरिया है वो उन्होंने मान ली, पैदा हम कर ही नहीं सकते, हाँ एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में बदल सकता है, पैदा नहीं कर सकते क्योंकि वो क्रिएशन एक्स नहीं, लोग उनको पता ही नहीं कि ये भी कोई चीज होती है। वो कहते हैं बस सब कुछ था, अब आगे चले। हम कहते हैं वो सब कुछ था, उससे पहले क्या था? वही चीज है, वो जैसा डार्विन ने कहा है कि मैं जब भी मोर को देखता हूं ना
मुझे बुखार चढ़ जाता है हा? कि जब ये मोर पर फैलाता है ये इतने ऑर्गेनाइज्ड, क्या इसने मोर ने खुद अपने आप को बना लिया या इसको किसी ने बनाया? हाउ? अगर किसी ने बनाया है तो क्रिएटर, क्रिएटर का कॉन्सेप्ट तो अल्टीमेटली फिर आखिरी जो क्वेश्चन था वो गॉड को किसने क्रिएट किया, इस पे मेरा वो लेक्चर था, हु क्रिएटेड गॉड और जदीद शैतानी वसवसों का तहकीकी जायजा, एन इंटेलेक्चुअल रिप्लाई टू प्रोफेसर रिचर्ड डॉकिंस जो ऑक्सफोर्ड के प्रोफेसर हैं, उनकी किताब द गॉड डिल्यूजन जो इस वक्त टेक्स्ट बुक समझी जाती है एथियज्म, उसके जवाब में मेरा वो लेक्चर था। फिर मैंने उसमें मैथमेटिकली इस चीज को साबित किया, जितने फिजिकल फिनोमेना ऑफ नेचर है ये सिर्फ, तुसी कदे भी देखोगे ना कि अपनी जड़ी अर्थ है, अर्थ दे विच कोई भी मैटर है, चाहे वह लिविंग है चाहे नॉन लिविंग थिंग है, हर चीज़ परफेक्शन के आधार पर है, परफेक्ट आ वो, उहदे विच कोई कमी नहीं आपां लभ सकदे, कोई जानवर देख लो एंड उस सिमेट्रिकल ऑर्गेनाइज्ड है सारिया चीज़ा, चाहे आप इंसान अपना इधरों हाफ इधर इधरला हिस्सा तो अक् तो इधरला हिस्सा देखो ये सिमेट्रिकल है, उस तरह हर जानवर हर पंछी सिमेट्रिकल है, कोई भी आई नहीं कि एक पासों इधरों ज़्यादा हो गया तो इधरों घट है, है ना, देखो परफेक्शन देखो, मोर द डेफिनेशन सुपर्ब है। क्या एक्सप्लेन करते हैं ये चीज़ कैसे हो रही है, लेकिन ये इसकी ओरिजिन क्या है, सूरज मशरक से निकलता है, ये एक इंफॉर्मेशन है, इस इंफॉर्मेशन ने सूरज को पैदा नहीं किया। आप जितने मैथमेटिकल फॉर्मूले, मैथमेटिकल जितने भी इक्वेशंस हैं वो एक्सप्लेन करती हैं वर्किंग को, उन इक्वेशंस ने उस चीज को पैदा नहीं किया होता। सूरज के ऊपर आप केमिकल फार्मूले लिख लें, ये हीलियम से बना हाइड्रोजन, ये फार्मूले है ना, क्या हीलियम ने सूरज को पैदा किया, हाइड्रोजन ने पैदा किया, वो तो खुद पैदा हुई हुई। तो हर चीज को डिप डीक करेंगे एक सुप्रीम बीग सुपर नेचुरल एजेंसी सुप्रीम अथॉरिटी की तरफ आपको गाइडेंस मिलेगी, और वो हर चीज इंसान अपने ऊपर गौर कर ले, सर मेरी मर्जी के बगैर मेरे गुर्दे रोजाना 25 दफा डायलिसिस कर रहे हैं, सही है, मेरी मर्जी के बगैर मेरी आंखें रोजाना 12,000 दफा चमक रही हैं, 23,000 दफा सांस अंदर और 23,000 दफा बाहर मेरे फेफड़े कर रहे हैं मेरी मर्जी के बगैर, मेरी अपनी, मेरा दिल रोजाना 1,00,000 दफा धड़क रहा है, 10,000 लीटर खून पंप कर रहा है मेरी नसों में जिसकी लेंथ 1,00,000 किलोमीटर है, ये तो आज साइंस की बरकत है ना, रिवील्ड नॉलेज के बाद ये एक्वायर्ड, दो ही नॉलेज है ना इस्लाम में, या रिवील्ड नॉलेज है वही का इल्म या एक्वायर्ड नॉलेज, द नॉलेज ऑब्टेन्ड थ्रू ऑब्जर्वेशंस एंड एक्सपेरिमेंट्स, डेफिनेट इल्म है, इसी एक्वायर्ड नॉलेज ने आज हमें इस काबिल किया, ये मेरी वीडियो रिकॉर्ड हो रही है, आज इंसान को अल्लाह तआला ने कितना एक तरक्की करवाई कि उसने क्या कुछ नहीं कर लिया, लेकिन बायोलॉजी का एक लॉ उन्होंने फाइनल कर लिया कि लिविंग थिंग्स कैन नेवर बी क्रिएटेड आउट ऑफ नॉन लिविंग थिंग्स, जिंदा चीज जिंदा से ही बन, अंडा कोई नहीं बना सकता साइंटिस्ट, सीड कोई साइंटिस्ट नहीं बना सकेगा, वो दरख्त में से ही लेना पड़ेगा, और दरख्त कहां से आया है, वो कहते फिजिकल फिनोमेना ऑफ नेचर, दरख्त को मानना पड़ेगा फिर आगे चलेंगे आप, तो आपने जिस चीज को पहले मान लिया हुआ ना असल में उसको डीप डीप करेंगे ना तो उसके बनाने वाला है, ठीक है ना, तो ये खुदा जाहिर है, लेकिन वो बातें इसलिए कि इन्नल्लज़ीना यख्शौना रब्बहुम बिलगैब लहुम मग़फ़िरतुन वअजरुन कबीर, जो लोग बगैर देखे अपने रब से डरते हैं उनके लिए है मग़फ़िरत और अज़र अज़ीम, वरना तो इम्तिहान रहेगा नहीं, ये दुनिया इम्तिहान का इसीलिए है कि अल्लाह ताला सिर्फ अपनी कुदरतों से हया है, खुद बैकफुट पे है, मुझे तो हर चीज में खुदा नजर आता है, मुझसे पूछे, मैं जब तरबूज काटता हूँ ना मैं परेशान हो जाता हूँ कि यार इतने से बीज से इतनी ऑर्गेनाइज फॉर्म में ये तरबूज बना जिसमें करोड़ों तरबूजों का डाटा मौजूद है, वो जितने बीज है एक एक तरबूज फिर उससे आगे तरबूज फिर उसमें मिठास है फिर उसकी एक बार खाल है उसी को आप काट के बाहर रखे खराब हो जाता है, वैसे ये आपकी डेयरी में तरबूज पड़े रहते हैं खराब ही नहीं होते हैं, सही है काटने की देर है फ्रिज में रखना पड़ जाता है आपको, तो सर हर चीज में खुदा, आप टॉयलेट जाते हैं तो बंदा परेशान हो जाता है कि मैं रात को खाना खा के बेफिक्र होकर सोता हूं अगर मेरे गुर्दे काम ना करें तो ये खाना जो मैंने बिरयानी इतनी टेस्ट लेके खाई थी इस बिरयानी से मुझे कोई फायदा होगा, ये खाना एक तो मेरे लिए पहले अजमाइश दूसरा निकालना अजमाइश बन जाएगी अगर मेरे गुर्दे मेरा काम ना करें, तो गुर्दे क्या शाह जी आपसे पूछ के काम करते हैं, खुद ब खुद करते हैं, खुद ब खुद कर रहे हैं, जो काम खुद ब खुद हो रहा हो वो तो फिर करने से भी हो जाना चाहिए, किसी के करने से हो रहा है, जो काम खुद ब खुद हो सकता है वो किसी के करने से भी हो सकता है, अगर मैं कहूं कि मैं एक बॉल पॉइंट को यूं खड़ा करूं और वो अपनी नोक के ऊपर 1,00,000,000 तक खड़ा रहेगा इतना मैं इसको बैलेंस कर रहा हूं, इस फिजिकल वर्ल्ड में तो आप मानने के लिए तैयार नहीं हो, लेकिन अगर वाकई ऐसा हो जाए, हो सकता है अगर 1,00,000,000 के लिए आप उसको किसी स्टैंड में यूं रख दें स्टेनलेस स्टील के जिसको जंग भी ना लगे,
तो वो किसी के करने से हुआ। तो हर चीज को डीप डीप करेंगे तो एक पीछे को ना कोई उसका क्रिएटर होगा, और उस क्रिएटर का क्रिएटर हो नहीं सकता क्योंकि दूसरी तरफ रियलिटी है। अगर खुदा को किसी ने पैदा किया तो उसको भी फिर किसने पैदा किया होगा, उसके पैदा करने वाले को भी किसी ने पैदा किया होगा, और उसके पैदा करने वाले के पैदा करने वाले को भी किसी ने किया होगा। तो ये तो इन्फिनिट तक इक्वेशन जाएगी, कहीं रुकेगी नहीं। इसको आपको मानना पड़ेगा कि कहीं से रुकी है, कोई ऐसा है जो बगैर बनाए बनाए, मतलब ये और उसी ने क्रिएशन एक्स नहीं रोकी है। वाह, व्हाट अ लॉजिक मैन, सीरियसली। सो गाइस, इस की आई थिंक वीडियो जिदे विच इन्होंने अपन नूं इन्ने बखूबी ढंग नाल सारियां गल्लां जिहड़ियां समझाईयां। नॉर्मल जी इन्होंने जिहड़ी लास्ट वाली एग्जाम्पल दित्ती ने कि जेकर कोई पेन है तो मैं उन्हों निब दे जरिए उन्हों खड़े करा, अरबां सालां लई नहीं होएगा, लेकिन कहिंदे किसी ऑब्जेक्ट दे नाल उन्हों मैं खड़ावां तां उह खड़ा रहेगा काफ़ी टाइम तक। कहिंदे वी उह किसी दे करन दे नाल इदां होया ना, अपने आप नाल होया। उन्हां दे कहिण दा मतलब है कि लाइक जिदा अर्थ आ, अर्थ अपनी इको जगह पर इन्ने अरबां सालों तो खड़ी है, ठीक है, यूनीवर्स है सारा, अगे देखे गलैक्सीज़ है, इन्हों की जो फॉर्म है सब कुछ चल रहा है। सो वो सारिया चीज़ा अपने आप नहीं हो सकती है। मतलब उस चीज़ नू कीता गया किसी वालों, क्योंकि देखो ये फिजिकल वर्ल्ड है, ये बहुत चीज़ा आप थ्री डिमेंशनस जोड़े है फाइंड आउट किए, थ्री डिमेंशन आप रहने हैं, लेकिन फोर्थ डिमेंशन वो तुसी इंटरस्टेलर किसी ने फिल्म देखी होनी है तो उन्होंने फोर्थ डिमेंशन बड़ा सोहना समझाया। उन्होंने दसिया कि किस तरह जरा फोर्थ डिमेंशन है उन्होंने टाइम नू कंसीडर किया कि फोर्थ डिमेंशन है, एंड ये भी नहीं पता कि आप उस चीज़ नू कद अचीव कर पावे या नहीं कर पावे, ठीक है। बहुत सारिया गल् यार स्पेस न रिलेटड, तो जो इदा दल करते हैं ना स्पेस न रिलेटड एक्चुअल उदो फिर मतलब तुसी ना किसी नास्तिक बंदे नू स्पेस दियां गल्लां दसो, स्पेस दियां वीडियोज़ दिखाओ, तो मैनू लगता कि वो शायद एक दो दिन दे विच जां वध तों वध पंज दिन दे विच वो यकीन करन लग जूगा कि नहीं कोई तो है क्रिएटर, क्रिएटर तो बिना ये चीज़ां पॉसिबल नहीं है। क्योंकि एडा वड्डा सिस्टम ऑर्गेनाइज़ करना जिहड़ा कि खुद ब खुद हुण चल रहा है, लाइक जिवें हुण देखो जेकर किसी ने कंप्यूटर बनाया मदरबोर्ड की जो फाउंड किया जिन्हें वो एक बार उन्हें फाउंड तो करना पैना, उस तो बाद सारा कुछ चल रहा कंप्यूटर चल रहा वर्किंग कर रहा, उस तरह भी एक बारी तो किसी कुछ करना पैना तो वो है। आपू देख क्यों नहीं सकते, आपू देख सकते हैं वो कुदरत दे विच जो उन्हें सिस्टम बनाया आप जरिए उन्होंने देख सकते हैं। सब तो महान साइंटिस्ट दुनिया का वो एक ही है मेरे ख्याल जिहड़ा कि रब है, अल है, वक्रे वक्रे नाम हो सकते हैं लेकिन है तो एक ही। देखो बिलीव्स ही ज़्यादा काम करते हैं, तो जो साइंस है साइंस भी एक एंड ते जाके बिलीव करती है कि इतने हाथ खड़े हैं साढ़े, सानू हुण इहदे बारे कुछ नहीं पता, एंड जदों फिर वो जिते तक उन्हां दी पहुँच नहीं होंदी फिर उत्थे आए हुंदा कि ये तो इदा ही है, ये तो आई हुंदा, इहनू कोई टाल नहीं सकता, ये शुरू तो ही आया हुंदा। कई बार अपने वड्डियां कोल भी किसी गल का जवाब नहीं हुंदा तो आपां नूं इही कहिंदे हुंदे कि इदा ही हुंदा, इहदा कोई जवाब नहीं गा, आई हुंदा, शुरू तो ही इदा हुंदा। तो फिर वो साइंटिस्ट दे कोल भी कई बार यही जवाब सुनने को मिलते हैं कि शुरू तो ही इदा हुंदा, वो पॉसिबिलिटीज़ ना घट होने लग जांदियां उत्थे। सही है यार। अच्छा जिहड़े लोग कहिंदे धर्म ते साइंस नाल नाल नहीं चल सकते, नाल नाल चल सकते हैं गाइस, क्यों नहीं चल सकते, हमेशा चल सकते हैं, ये मन च तुहाडे क्वेश्चन आउंदा होना पर मेरे ख्याल हमेशा चल सकते हैं। जिथे नहीं चलते ना उत्थे फिर अंधविश्वास है, उत्थे जो धर्म नू अंधविश्वास बना के दिखाया जा रहा, तो मेरे ख्याल चल सकते हैं, मेरे अकॉर्डिंग तो यही है कि हमेशा चल सकते हैं। सो गाइस ये सी अज्ज दी एक वीडियो, होर भी गल्लां बातें बहुत हो सकती हैं लेकिन कई लोग होंगे जिन्हों का इंट्रस्ट उस चीज़ नहीं होंगे है ना। सो इस चैनल पर अपने सब तरह वीडियोज़ अपलोड होंगे, इनफॉर्मेशन एंड नॉलेजेबल, एंटरटेनमेंट, पॉलिटिक्स एंड रिलीजियस। सो यह पांच टॉपिक है, इन्हों के वीडियोज़ तुम वेख के इंजॉय कर सकते हैं, एंड कुछ ना कुछ सीखने भी मिलता थोड़ा, मतलब इदा नहीं है कि तुम बिना सीखे कुछ इतने चल जाओगे। सो जस्ट सबसक्राइब अवर चैनल, मेक श्योर कि तुम वो रेड जे कलर रेड के कलर सबसक्राइब कर लिया, ठीक है। सो जस्ट सबसक्राइब, मिलते हैं किसी और वीडियो, तद तक मैंने दो इजाजत, सत श्री अकाल।